tick 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 kasam ye khaye re tick 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 plastic tick na paaye re tick 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 kasam ye khaye re tick 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 plastic tick na paaye re प्रकृति को कैसे नुकसान होगा? एक छोटी सी थैली तो है। प्लास्टिक को उपयोग में लाने से हमारे जानवर उसे खा रहे हैं और वो मर रहे हैं। ये कुदरत की हनस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक की थैली को खाकर जानवर कैसे मर सकते हैं? प्लास्टिक का थैला जब जानवर अपने मुंह में डालते हैं तो उसके सभी कीटाणु उनके पेट में चले जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक तो मुफ्त की मिलती है, क्या तुम अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे अगर प्लास्टिक मुफ्त की मिलती है? नीचे इतना कूड़ा क्यों गिरा रहे हो? क्यों कूड़ा फैला रहे हो? हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे कैसे पहुँच रहा है? इससे जानवरों की मौत हो रही है। मौत कैसे हो रही है? सारे जानवर इसे खा लेते हैं तो सारे कीटाणु उनके पेट में जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे हमारी धरती पर प्रदूषण बढ़ता है। ये प्रदूषण सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि इंसानों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम टूटे हुए खिलौने, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें सड़कों जाकर पानी में फेंकते हैं तो प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाता है। आओ सभी को जागरूक करें। पृथ्वी को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। पृथ्वी को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है। हरियाली को बढ़ाना है, प्लास्टिक को हटाना है। रिसाइकल ये नए रिवाज है। प्लास्टिक वाले स्माइल सारे पूछ के के मुस्कुराए रे। टिक 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 कसम ये खाए।